Hey guys, what's up? मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं FitMuscleTV. आज की वीडियो में आपको बताएंगे बेस्ट क्या है मील रिप्लेसमेंट. कीप वॉचिंग द वीडियो, वी विल बी बैक. Hey guys, what's up? आप देख रहे हैं फिट मसल टीवी. मेरा नाम है गौरव. बहुत सारा प्यार दिया, धन्यवाद, और भी देते रहे क्योंकि बहुत अच्छा लगता है आप प्यार देते हैं, बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिलता है. और मील रिप्लेसमेंट, गर्मी आ गई है, भूख कम लगती है, बहुत सारी मेल जाती हैं, खाना नहीं खाया जाता, बल्किंग करनी है, मांस नहीं चढ़ रहा, कटिंग करनी है, चिकन नहीं खाया जाता, बोरिंग हो जाता, अंडे नहीं खाया. गर्मियों में भूख बहुत कम लगती है बिकॉज प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और आपका पेट ऑलमोस्ट भरा रहता है. इसलिए अगर कुछ ऐसा मिल जाए कि जो कि लिक्विड हो पीने के लिए, लेकिन मील रिप्लेसमेंट में क्या है, तीनों चीज़ होनी चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स. इट शुड बी अ कंप्लीट मील, तभी वो मील रिप्लेसमेंट आपका अच्छा माना जाएगा. आज आपको बताऊंगा इजी मील रिप्लेसमेंट, उसके लिए आपको क्या चाहिए इंग्रेडिएंट्स. आपको चाहिए एक खाली मिक्सर जिसमें आप शेक कर सकते हैं, ग्लास ऑफ वाटर, मतलब 3/4 ग्लास ऑफ वाटर, 3/4 ग्लास ऑफ मिल्क, पीनट बटर 1 चम्मच. आपको चाहिए एक केला जो कि जवान हो और एक आम जो कि बुढ़ा हो, क्योंकि जवान और बुढ़ा रहेगा तो ठीक रहेगा, जवान जवान रहेंगे तो ये लोग शैतानी करेंगे. तो गाइस सबसे पहले हम केले को छील देंगे. जस्ट जोकिंग केले वैसे छीलेंगे. अच्छा, इसमें अगर आप इस केले को और आम को फ्रीजर में रख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा गाइस, क्योंकि फ्रीजर में ठंडा हो जाएगा और आप जब इससे मील रिप्लेसमेंट अपना शेक बनाएंगे तो वो बहुत अच्छे से ठंडा ठंडा बनेगा. आपको आइस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी और थोड़ा सा उससे थिकनेस अच्छी हो जाएगी और आपको लगेगा हाँ मैंने कुछ खाया और आपका पेट भरा भरा रहेगा. वैसे ये केले जो हैं ये सर्दियों के लिए बेस्ट होते हैं, लेकिन जो आपने देखा हो जो चेन्नई में साउथ में मिलते हैं छोटे केले, वो गर्मियों के लिए बेस्ट होते हैं. पूछेंगे क्यों, क्योंकि इनका कवर हार्ड रहता है तो सर्दियों के लिए बने ताकि इनको ठंड ना लगे. वो जो केले होते हैं वो फिट भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनका कवर सॉफ्ट होता है. आप देखेंगे वो स्किन टाइट कवर पहनते हैं, वो ये थोड़े ढीले पहनते हैं. सो आई लाइक दोज बिकॉज दे आर फिट ऑल्सो. तो आपको कोई नहीं, जो आपको मिला वही कर सकते हैं. जिनके घर में बच्चा है तो वो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे बच्चे को भी खिला सकते हैं और बाकी उसमें डाल सकते हैं. मैं पूरा केला डाल देता हूँ. अब आपको ये इसको छीलना है. तो गाइस फ्रूट्स हम क्यों डाल रहे हैं, फ्रूट्स हम डाल रहे हैं कार्ब्स के लिए, क्योंकि इस शेक में कार्ब्स होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि आपका मील रिप्लेसमेंट मतलब आप एक मील नहीं खा पा रहे, आप ऑफिस में हैं, आप घर पे हैं, आपको जल्दी है. मैं भी यार दिन भर एडिटिंग करता रहता हूँ, काम करता रहता हूँ, मेरे मील मिस हो जाते हैं कभी कभी, खाने को नहीं रहता, फिर लगता है कौन उठ के कौन बनाएगा. पहले मैं तालची नहीं था लेकिन अब मैं हो गया हूँ, सॉरी बहुत है. तो आपने क्या करना है, बस एक स्लाइस आम का ऐसे काट लेना है. ये गया आम इसके अंदर, ठीक है, और जो थोड़ा सा बचेगा वो उसको मुंह के अंदर खट्टा. इसके बाद आपने जो पानी के ऐड कर देना है, दूध ऐड कर देना है, थर्ड इतना ही ऐड करें. उसके बाद पीनट बटर आपने ऐड कर देना है. पीनट बटर से क्या है गाइस, आपको फैट भी ज़रूरी है. फ्रूट से आपका कार्ब्स हो गया, पीनट बटर से फैट हो गया, मिल्क हम इसको गिन नहीं रहे क्योंकि मिल्क में बहुत हमने कम डाला है. हाफ मिल्क हाफ वाटर, आप चाहे तो पूरा मिल्क भी रख सकते हैं, बट मैं नहीं रखता क्योंकि पूरा मिल्क से मेरे को थोड़ा ब्लोट हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा हैवी हो जाता है. सो गाइस इसमें हम प्रोटीन डालेंगे 1 स्कूप से 1.5 स्कूप तक. मैं 1.5 स्कूप डालूंगा. सो गाइस फिलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ कुकीज़ एंड क्रीम फ्लेवर. आई एम ऑब्सेस्ड राइट नाउ, लिटरली आई एम ऑब्सेस्ड विद कुकीज़ एंड क्रीम फ्लेवर. नंबर 2 इज सॉल्ट कैरेमल. सॉल्ट कैरेमल ऑर्डर करने पर सॉल्ट लिखा है तो बहुत वो सॉल्टी होगा, ऐसा नहीं है. ट्राई सॉल्ट कैरेमल, इट्स अ वेरी गुड फ्लेवर. इसमें पूरा सॉल्ट कैरेमल ही भरा हुआ है. तो ये जो मेरा शिपमेंट है अभी आया, आज सुबह ही ये मेरा शिपमेंट आया. इसमें पूरा मैंने सॉल्ट कैरेमल और कुकीज़ एंड क्रीम ही मंगाया बिकॉज आई जस्ट लव दिस फ्लेवर. सो गाइस ये हो गया हमारा मील रिप्लेसमेंट तैयार. आप देखेंगे इसका फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर होता है इसका. और देखिए थिक कितना है, मैं आपको दिखा दूँ थिक कितना है. इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ मैंगो शेक जो बाजार में मिलता है आपको. थिकनेस देखिए इसकी, तो गाइस इतना थिक है ये. और इसमें ज़्यादा जो दूध नहीं डाला आपने देखा है, मैंने कितना कम मिल्क डाला है. इसमें मैंने ऑलमोस्ट बस इतना ही मिल्क डाला है. तो मेन थिकनेस इसमें आई है. अगर आप इसमें एवोकाडो डालेंगे तो बहुत ही अमेजिंग लगेगा, बट आई अंडरस्टैंड कि एवोकाडो नहीं मिलता आपकी जगह पर. बहुत ही थिक है. थिकनेस से क्या होगा, आपका पेट भरा रहेगा. मील रिप्लेसमेंट आपको देने का मेरा मकसद यही है कि आपका पेट थोड़ा भरा रहे. अगर आप इसको बल्किंग के लिए चला रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इसको बल्किंग के लिए चला रहे हैं तो इसमें आप दूध कम डालें. मेरा रीज़न दूध कम डालने का सिर्फ ये है कि आपको फीलिंग नहीं देगा, क्योंकि बल्किंग में आपको कैलोरीज ज़्यादा चाहिए होती है. दो मील के बीच में अगर आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए, गुड कैलोरीज चाहिए, विच इज़ हार्ड टू फाइंड, आपको चिकन नहीं खाना बिकॉज भूख नहीं लग रही, दिस इज़ अ गुड सोल्यूशन. लेकिन आप मिल्क ना डालें, मिल्क से थोड़ा ये ब्लोट मारता है. अगर आप सिर्फ पानी में बनाएंगे इसको तो आपको ब्लोट नहीं मारेगा, ये पूरा मील रिप्लेसमेंट हो जाएगा, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, और आप इसको एक्स्ट्रा कैलोरीज के रूप में आराम से ले लेंगे. उसके बाद दोबारा मील भी खा लेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को. और ये पीछे रहा मिस ऋतु राठी का हाथ, मतलब कि लाइक कर दें क्योंकि दो लाइक आ चुके. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय, लेकिन नमस्कार. कैमरा गिर जाएगा.
गिरेगा नहीं। और गाइस माय प्रोटीन का आपको प्रोटीन लेना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपको। अभी जो जितनी भी डिलीवरीज आ रही हैं गुड़गांव के वेयर हाउस से आ रही है, 3 दिन 4 दिन मान के चलिए दिल्ली के अगर आसपास हैं, अगर थोड़ा दूर रहते हैं तो थोड़े आसपास दिन में आ जाएगा, बट इट इज़ अ फास्टर डिलीवरी गारंटीड। नाउ गुड नाइट।